नॉर्बुलिंग का हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक बहुत ही खूबसूरत गांव सिद्धपुर है, जो धर्मशाला से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसा यह स्थान हरे भरे पारिदृश्य और आकर्षक लोगों से समृद्ध है। नॉर्बुलिंग का पारंपरिक तिब्बती कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित है। नॉर्बुलिंग का पर्यटकों को अपने खूबसूरत परिसर को देखने और तिब्बती कला के वैभव को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए आमंत्रित करता है। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओगी एक्सपर्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। कल पूरा एक दिन हम हिमाचल में ही थे और धर्मशाला जैसा कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा ऑप्शन हमने दिखाया रहने के लिए, और साथ में वहां पर सिर्फ रहना नहीं है, आपको अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लेने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लें और वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हमारा यहाँ पर दूसरा दिन है, और क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे तो आसपास यहाँ पर कहाँ आप घूम सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। अभी जस्ट हम वहाँ से बाहर निकले हैं और देखते हैं कि क्या हम एक्सप्लोर करके दिखा पाते हैं आपको, ताकि जब आप आए तो आपके लिए सुविधा हो जाए। हम जहाँ हिमवेदा में रह रहे थे वहीं पर हमें सर ने बताया था कि यहाँ पर एक जगह है, मोनेस्ट्री है बेसिकली ये नॉर्बुलिंगका के नाम से। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे ना तो पूरा ऐसा फील होगा कि आप तिब्बत शहर में आ गए हैं, क्योंकि एक छोटी सी प्लेस है लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारी वहाँ से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। चलिए आपको दिखाते हैं। काफी सारे तिब्बती रेस्टोरेंट्स मुझे दिख रहे हैं और साथ में हैंडीक्राफ्ट शॉप्स। वाओ, यहाँ एंट्रेंस पे इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं और साथ में बहता हुआ पानी, बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर टाइमिंग्स हैं आने के लिए 9 AM to 5:30 PM। यहाँ पर शॉप्स हैं, म्यूजियम, टेंपल, रेस्टोरेंट्स, कैफे जो ओपन होते हैं एवरी डे। आर्ट स्टूडियोज़ हैं जो क्लोज रहते हैं संडे एंड सैटरडे, टू सैटरडे, सेकेंड सैटरडे आई बिलीव होगा, या फिर कोई भी दो मंथ में दो सैटरडेज ऑफ रहते हैं। रेस्टोरेंट का टाइम है 7 AM to 9:30 PM एंड हमने अभी टिकट्स लिए हैं यहाँ पर। नॉर्मल 50 rupees पर पर्सन यहाँ पर टिकट है, लेकिन जब हमने टिकट लिया उनसे पूछा एंड दे आर सो गुड, उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। गर्ल्स हैं यहाँ पर जिन्होंने हमें सब कुछ बताया एंड देर आर सम मैप्स एंड बुक्स जहाँ से आप पूरा देख सकते हैं कि अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर वर्कशॉप्स एवरी डे होती हैं, वो कोई भी अटेंड कर सकता है हाफ डे के लिए, कुछ आवर्स के लिए, बट कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जो अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो उसके लिए प्रॉपर आपको कोर्स करना पड़ेगा। एंटर करते ही ना आप वो एनर्जी फील करना शुरू कर देंगे। देखिए इतना पीसफुल जगह, पूरा सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी, साथ में बहता हुआ पानी, उसका जो म्यूज़िक है, कल कल ध्वनि, बहुत बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। इसको हमारे साथ जाना है मुझे लग रहा है ये। हाँ अच्छा अच्छा ओके ओके। यहाँ पर भी सारी चीजें मेंशन है आपको क्या क्या देखने को यहाँ पर मिलता है। नॉर्बुलिंगका टेम्पल, तिब्बतन डॉल म्यूजियम एंड आर्ट शॉप, बहुत सारी चीजें हैं, वुड कार्विंग। रूम्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर।
ये छोटा सा गाइड है हमारा, ये हमें लेके जा रहा है आगे कहाँ कहाँ हमें जाना है। ब्यूटीफुल। देखते हैं यहाँ पर रूम्स किस तरह के हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे हमें रूम्स रहने के लिए भी अवेलेबल हो सकते हैं। एनीवन कैन कम एंड स्टे। इस कल्चर के साथ अगर आपको रहने के लिए मिले तो आई मीन इट्स अमेजिंग। हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक रूम हम इनका देखें। दे हैव टू कैटेगरीज, सुपीरियर रूम एंड स्वीट रूम। तो हमें अभी ये सुपीरियर रूम दिखा रहे हैं। नाइस इंटीरियर। दिस इज बालकनी। ओके। यू कैन कम आउटसाइड एंड फ्रेश एयर। वाओ, बहुत अच्छी जगह है ये रहने के लिए भी। रूम्स बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने डेकोरेट किए हुए हैं। सो बेसिकली जो सुपीरियर रूम है उसका टैरिफ इन्होंने दिया हुआ है 3500 प्लस 12% GST, और 4960 स्वीट रूम का है प्लस GST करके आपको 5555 में मिलता है। ये विद ब्रेकफास्ट है। थैंक यू। एनी डिस्काउंट्स आल्सो समटाइम्स? हाँ ओके। तो जितना लंबा टाइम आप यहाँ रहेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इनकी दो ब्रांचेस और भी हैं इन्होंने बताया हमें मैक्लोडगंज में। जब आप वहाँ जाएंगे तो उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अगर आप धर्मशाला आए और आपने ये जगह विजिट नहीं की तो आपकी विजिट इनकम्प्लीट मानी जाएगी। हम पहले दो बार यहाँ पर आए हैं पर अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए थे, तो मुझे लगता है दिस इज अवर थर्ड टाइम और इस बार हमारी जर्नी कम्प्लीट होने वाली है। वाओ, देखिए जस्ट अमेजिंग कितनी सारी फिशेज हैं यहाँ पर। यहाँ दूर से ही मुझे दिख रहा है दोनों तरफ यहाँ पर दो रूम्स हैं। एक तरफ गर्ल्स सेक्शन दिख रहा है मुझे और दूसरी तरफ बॉयज सेक्शन, जहाँ पर इनको सारे हैंडीक्राफ्ट का जो कोर्स जैसे कि हमने बताया वो सब यहाँ पर सिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पेंटिंग करते हुए दिख रहे हैं ये बॉक्सेस। हेलो, इज इट अ गोल्ड पेंट? ये गोल्ड पेंट है? बहुत बारीकी का काम है। तो देखिए सब लोग कितने डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं काम करने में। हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पूरे 6 एकड़ में बसा हुआ है ये पूरा इंस्टीट्यूट और सच में ये किसी एक सिटी से कम नहीं लग रहा है मुझे। आई विश कि अगर मैं बच्चों को लेकर आई होती यहाँ पर, बच्चों के लिए जगह बहुत अमेजिंग हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि ये वाटर टर्बाइन किस तरह से काम करता है।
ये देखिए इतना ब्यूटीफुल प्लांट है ये, बिल्कुल ओरिजिनल तो मुझे लग ही नहीं रहा है। हम आ गए हैं मेन टेंपल में। अंधेरे में जैसे जैसे कैमरा मूव कर रहा है, जहाँ 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 पर ये पूरा गोल्ड कार्विंग की गई है, एकदम से चमक आ रही है उस एरिया में। और हम आ गए हैं अब डॉल म्यूजियम में, लॉजल डॉल म्यूजियम। दिस इज सो ब्यूटिफुल। यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है कि आज भी जब तिब्बत रिवर को क्रॉस करने के लिए इसी तरह से लोग लकड़ी की बोट, वुडन बोट्स जो होती हैं, उसमें बैठकर जाते हैं और अपने भेड़ों को भी साथ में लेकर जाते हैं। काफी बड़ा एरिया है और हर चीज के बारे में लिखा हुआ है, किसी का घर है, मिनिस्टर का इवन घर, वो सब वहाँ पे लिखा हुआ है। किंग किस तरह से बैठते थे, किंग हाउस किस तरह का होता है, रिलीजियस कॉस्ट्यूम्स यहाँ पर सारे अलग अलग लिए हुए हैं। मार्केट सीन, इसी तरह की तो मार्केट्स होती हैं, हम देखते हैं। बहुत मजा आ रहा है मुझे ये सब देख के। एंड दिस इज मिलारेप्पा, और देखिए ये मुझे बड़ा अलग लग रहा था, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है मिलारेप्पा वाज एन 11th सेंचुरी योगी, जैसे हमारे यहाँ भी गुफाओं के अंदर योगीज हमें मिलते हैं, ये भी एक वही वहाँ के योगी थे 11th सेंचुरी के। और बाद में पाया गया कि बहुत अच्छे पोएट भी थे, पोएट्री बहुत अच्छी लिखते थे, तो यहाँ पर इनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ विजिट करने के लिए आते हैं तो मुझे लगता है आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे, इवन खाने के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, आउटलेट्स इनके बहुत सारे हैं, तो आप अलग अलग चीज़ें खा सकते हैं। अपना ब्रेकफास्ट, इवन ब्रेकफास्ट के टाइम पर आ जाओ, क्योंकि 9 बजे खुल जाता है। ब्रेकफास्ट भी यहीं लो, लंच भी यहीं लो, तब तक आप पूरा अच्छे से इसको डिस्कवर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ रहते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नॉर्बलिंग का शॉप भी है, इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। हर चीज बिल्कुल यूनिक सी है। अगेन देखिए हमें वही टरबाइन मिल गया हमारा वाला, बिकॉज यहाँ पे मुझे पानी की सिर्फ आवाज आ रही है, बट ये चल उसी से रहे।
हमने अपनी गाड़ियों बाइक स्कूटर सबके लिए परचेज कर लिया है ओम मनी पद्मे ओम के, बहुत अच्छे लगते हैं फ्लैग्स। हम आ गए हैं रेस्टोरेंट एरिया में, यहाँ पर आपको फ्रेश बेकरी आइटम्स, आइसक्रीम्स, कॉफी, चॉकलेट शेक सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर कैफे भी अवेलेबल है और प्रॉपर रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, बहुत मजा आया यहाँ पर घूमकर। आप जब भी इस तरफ आए यहाँ जरूर विजिट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे कॉमेंट करके भी आप जरूर बताएंगे। अभी हम चलते हैं आगे क्योंकि आज हमें वापस देहरादून भी निकलना है, तो हम यहाँ से अभी जाएंगे और रास्ते में अभी कुछ और चीजें हमारे माइंड में है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हमने आते टाइम एक और चीज नोटिस की कि अगर आपको पूरा टूर करना है और उसके लिए आपको गाइड की जरूरत अगर महसूस होती है तो यहाँ पर गाइड भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। छोटा सा ब्रिज, उसके नीचे से पानी बहता हुआ, वाओ, पूरे रास्ते इतने खूबसूरत हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए। जय माता दी। माँ बगुलामुखी का मंदिर है ये, हमने सुबह सुबह लास्ट टाइम जब हम गए थे तो दर्शन किए थे। बहुत सुंदर है, बहुत पीसफुल है। जब भी आप इस रास्ते से जाएं तो यहाँ पर आप दर्शन ज़रूर करें। हमारे एक व्यूअर ने भी मुझे लिखकर भेजा था कि यहाँ पर आप ज़रूर जाएं। तो नौ देवियों में से अगर हम कहें तो ज़्यादातर इसी क्षेत्र में है। माँ वैष्णो देवी बहुत लोग जाते हैं और साथ में नैना देवी, माँ चिंतपूर्णी और बहुत सारी देवियाँ हैं, हम रास्ते में देखते हुए जा रहे थे। तो मन में ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना हम नौ देवियों की यात्रा कंप्लीट करें। अब इसमें आपकी सलाह और भागीदारी दोनों चाहिए क्योंकि हम ये सोच रहे हैं माता के दरबार जाएंगे तो अकेले अकेले जाने में मजा नहीं आएगा, साथ में चलते हैं। आप में से कितने लोग जाना चाहते हैं हमें जरूर बताएं, कमेंट भी करें और साथ में, क्योंकि हम यूट्यूब के कॉमेंट्स पे उतने कॉन्स्टेंटली रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वन टू वन होने के लिए अगर इंस्टाग्राम आईडी ओटी एक्सपर्ट यूज करें या आप हमें ईमेल करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसी तरह से फिर आगे कुछ प्लान करेंगे, उसमें हम चाहते हैं कि हम आपके साथ जाएं, किस तरह से जाना है, क्या करना है, वो सब हम तब बाद में अगर बैठ कर प्लान करेंगे। आई एम श्योर ये यात्रा बहुत अच्छी भी रहेगी और बाकी जो लोग नहीं जा पाएंगे उनको एटलीस्ट हम दर्शन करा पाएं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आपका सपोर्ट ज़रूरी है। चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और जो हमेशा देखते हैं वो वीडियोज़ को लाइक शेयर करने के साथ साथ दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। हमारा दूसरा चैनल है वर्ल्ड ऑफ व्हील्स, उसे भी सपोर्ट करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।